भैया आप लोग न जाइए कहीं, मीडिया में जाओ यार। देखिए मीडिया भगाया जा रहा है भैया, आप लोग हाय दोस्तों, जो भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को जैसा ज्ञात है सरकार के द्वारा झूठा आश्वासन दिया गया कल का कि आज लिस्ट जारी करेंगे, लेकिन उस क्रम में 3:30 बज गए हैं, कोई भी काम हुआ नहीं है। आप लोगों से अवगत कराना चाहेंगे, भारी भीड़ यहाँ पे ऑलरेडी है, और 500 से ज़्यादा कम से हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं कल की, बिना खाए बिना पानी के, कितने इसमें बेहोशी की हालत में आप खुद देख सकते हैं। कितने हमारे भाई बंधु बैठे हैं जो शिक्षक चयनित हो चुके हैं सरकार के और अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण, सरकार की नहीं कहेंगे बल्कि अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण हम आज यहाँ बैठने पर मजबूर हैं। और ऐसा लगता है कि सरकार ने पूरी लखनऊ की फोर्स हम लोगों के खिलाफ ही उतार दी है, आप लोग खुद देख लीजिए। विद्यार्थी परिषद से लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा, बीजेपी का सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते आज तक मैंने कुछ मांगा नहीं। मुझसे कम से कम बीजेपी के, यूपी बीजेपी के 4-5 प्रवक्ता, केंद्रीय प्रवक्ता सब जुड़े हुए हैं, इसलिए आज पहली बार मैं फेसबुक लाइव पे आ रहा हूँ। आप लोग देखेंगे जब मुझ जैसे कार्यकर्ता संगठन के लिए काम करने वाला का ये हाल है, तो आगे सोचिए ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आपका क्या हाल करेंगे आने वाले समय में। ये लखनऊ की फोर्स नहीं सर, पूरे भारत की फोर्स लगा दीजिए, हटेंगे नहीं जब तक नाम लिस्ट में आएगा नहीं। मीडिया भगाया जा रहा है, मीडिया के लोगों को भी भगाया जा रहा है, आप देख लीजिए उनको हटाया जा रहा है दबाव बना के, लड़के लड़कियों प्रशासन फोर्स बढ़ाई जा रही है, बाहर लेता है, लेकिन अब हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, लड़ेंगे जब तक नियुक्ति पत्र पा नहीं लेंगे, हटेंगे नहीं। योगी जी ने खुद ट्वीट कर दिया, अनुपमा मैम ने ट्वीट कर दिया, आज प्रभात सर का ट्वीट आ गया, आखिर उसके बाद दिक्कत कहाँ पे फंस रही, क्या हम लोगों की लिस्ट नहीं जारी हो रही। आज के लिए बोला गया था पूरे लखनऊ की फोर्स उतार दिए, अगर यही 4 अधिकारी बैठ के काम कराए होते तो अब तक लिस्ट बाहर होती, दो लोगों की जान चली गई। हमारे संघ से जुड़े हुए श्री आशीष गुप्ता जी भाई साहब और एक दो लोग बुरी हालत में गंभीर हैं, बेहोश हैं, एम्बुलेंस से उनको सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया है। हम दुआ करेंगे कि हमारे भाई जल्द स्वस्थ हो, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, एक बस्ती में, सहारनपुर में जान जा चुकी तो ये ठीक नहीं होगा। बलिया सहारनपुर में जान जा चुकी, दो बच्चों ने, बलिया में नीरज पांडे नाम के लड़के ने खुदकुशी कर ली है, आशुतोष पांडे। अब लखनऊ पुलिस का काम देखिए, ऐसा लगता है कि हम शिक्षक नहीं आतंकी हैं, पूरी लखनऊ की फोर्स उतार दी गई है यहाँ, बड़े बड़े जिधर देखिए बस असलहों के साथ पुलिस फोर्स ही, एसपी तक यहाँ पे आए हैं। मीडिया के बंधुओं ने कल से बहुत ही कोऑपरेट किया है, बहुत ज्यादा साथ दिया है, आज दबाव बना के उनको सबको लगभग हटा दिया गया है। इस समय साथियों को घसीट घसीट के इको गार्डन बस से ले जाया जा रहा है, जबरदस्ती हम लोगों को साथ लड़कियों को खींच घसीट के उठा के जबरदस्ती बाहर फेंका गया रोड पे। हम लीगल हैं, हम 3-3 चरण के परीक्षा पास किए हैं, हमने सारी क्राइटेरिया पूरी की है, तो आखिर हमारी गलती कहाँ है। कुछ प्रशासन से और लड़ाई लड़नी हम लोगों को, तो अभी आप लोग सहयोग, अलविदा, जय हिंद, भारत माता की जय। हाँ फिनिश दबा दो।